अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आज है जुम्मे का दिन और आज है मेरी एनिवर्सरी, तो आप सब मुझे विश करें हैप्पी एनिवर्सरी। तो माशाल्लाह से मेरी शादी को हो गए 6 साल। अभी मैं लेने जाने लगी थी अपनी एनिवर्सरी की डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें, तो जब तक मैं वो लेने जाती हूँ आप तब तक जाके देखें चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी। मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ आलू, 1 किलो चिकन और 2 गाजरे लिए मैंने, और 4 से 5 हरी प्याज लिए, सिर्फ उसके हरे हरे पत्ते, ऊपर का साइड नहीं लिया, ठीक है। और इसमें डाले हैं मैंने ये बेबी कॉर्न, ये बेबी कॉर्न डाला है, थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी हरी मिर्चें, 4-5, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग बढ़ा लीजिएगा। बाकी इसमें कुटी काली मिर्च या पिसी काली मिर्च और नमक, ठीक है। अब इसको मैं चिकन को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है चॉपर में, तो ऐसे बारीक बारीक सा कीमा हो गया है, और आलू भी मैश कर लिए हैं। तो अब मैं इसको मिक्स कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं, और बस फिर इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया है ये पैटी, और इसका हम बनाएंगे कबाब। कबाब का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है। देखिए मैंने ये साइज़ रखा है, साइज़ है। अब मैं इसको पहले करूँगी अंडे में डिप, ठीक है। ये अंडे में डिप किया अच्छे से, उसके बाद हम इसको डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे सॉरी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की, ठीक है जी। अच्छे से कोटिंग हो गई, और अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे, सही है जी। तो जी हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं बच्चा पार्टी, मुझे लेना था कुछ डेकोरेशन का सामान और भाभी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी कबीर के लिए। बोलो बच्चा पार्टी, कबीर कहाँ आए हो? कबीर हमें कुछ देख रही हैं। कबीर पापा आपकी तरफ तो कुछ मिलता ही नहीं होगा, क्या एनिवर्सरी का लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। और देखती हूँ तुझे हैप्पी एनिवर्सरी के लिए तो कुछ नहीं है। अब ये के मैं देखती हूँ, आए अम्मी दारा मेरे साथ, क्या देखती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी के लिए तो कुछ है नहीं, कुछ और देखती हूँ, कुछ तो मिले बलून्स वगैरह ही ले लूँ। हैप्पी एनिवर्सरी लिखा नहीं मिला, तो मैंने 6 लिया है नंबर, और वाइट और ग्रे बलून्स लिए हैं, कर्टन लिए हैं। 6 नंबर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 6 साल हो गए हैं, जिनको नहीं पता। ये देखो कबीर कितनी चाली चीज़ें, आप देखो इंजॉय कर लो, ये देखो कितने चाली हैं डेकोरेशन का सामान। हे भैया सो जाएगा। तो जी बच्चा पार्टी से हम गिफ्ट्स लेके और कुछ चीज़ें लेके, हाँ शॉर्ट्स मिल गए, तो मोज़े नहीं हैं इसके साइज़ के, मैं वीडियो बना रही थी पता है तब भी। हाँ जी, तो हम लोग बच्चा पार्टी से जो लेने थे डेकोरेशन का सामान वो लेकर आ गए हैं, और अब हम लोग आके बैठे हैं एक्सपो पे, दिख रहा होगा आप लोग को एक्सपो स्टोर। तो यहाँ से भाभी ले रही हैं कबीर के लिए शॉर्ट्स वगैरह, तो भाभी शॉर्ट्स लेकर आएँगी, बस फिर हम लोग निकलेंगे और फिर घर जाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से असर होने वाली होगी। हाँ तो मौसम दिखाते हैं आप लोगों को कैसा हो रहा है, फिर घर जाके डेकोरेट करूँगी थोड़ा सा। अभी आप लोग मौसम देखें, घर आके कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया मैंने, पूरा जो आपका कर्टन था पीछे लगा दिया है, चेयर्स रख दी हैं, और ऐसे आर्च बनाई हैं एक वाइट और ग्रे कलर की, सिल्वर 6 बलून लगा दिया है। मुझे लगा ऐसे ज़्यादा सही लगेगा पोर्ट्रेट, तो मैंने इस तरीके से भी शूट करके आप लोग को दिखा दिया। तो दोस्तों पीछे आप लोग को सेटअप दिख रहा होगा, समीर आज नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो गई और हमारी तरफ काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो इस वजह से समीर ने बोला मैं रिस्क नहीं लेता, मैं आज नहीं आता, मैं कल सुबह तुम्हें आ जाऊंगा लेने ना।
तो आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया सिवाय एक कबाब के, और सुबह नाश्ते में भी मैंने एक आम खाया था। पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लगी, तो अभी रात में मुझे लग रही है भूख, तो मैं खा रही हूँ दोबारा से एक आम। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी आज के। तो आज कुछ सेलिब्रेशन नहीं हो सकी, अब जो होगा वो कल होगा, और जो कल होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहीं पे एंड कर रही हूँ व्लॉग को, क्योंकि खाने लगी हूँ आम, और उसके बाद सोऊंगी क्योंकि आ रही है नींद। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।